हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गुला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज इस वीडियो के अंदर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट है डेबिट कार्ड और जो दूसरा पॉइंट है वो है लाइव वीडियो परफॉर्मेंस। जी हाँ, पहला पॉइंट है डेबिट कार्ड और दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा लाइव वीडियो। तो पहले टॉपिक को हम कवर करते हैं। सबसे पहले डेबिट कार्ड के लिए, हम सब लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि इस समय हमारा क्या माहौल चल रहा है, इस समय क्या माहौल है और इस समय हम किस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम यहां पर पेशेंस बना करके क्यों रखे हुए हैं, इसके पीछे क्या रीजन है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि हमें अपने ऑन पैसिव के ऊपर एक पूरी तरीके से फेथ है। अगर मैं बात करूं कि खुद से ज्यादा हमें आज ऑन पैसिव के ऊपर फेथ है, क्यों? क्योंकि ये जो एक पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जो यहाँ पे बैकएंड के पीछे जो काम चल रहा है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिजाइन किया जा रहा है, एक पूरा का पूरा जो एक बिजनेस मॉडल यहाँ पे डिजाइन किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग भी है। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इस दुनिया से जो एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम है उसको पूरी तरीके से खत्म करना ये कंपनी का सबसे बड़ा मिशन है और यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसको पूरी तरीके से खत्म करना ये सबसे बड़ा मिशन है। इसलिए आज हम सब लोग आज ऑन पैसिव के साथ में एक पेशेंस के साथ जो है बने हुए हैं और पेशेंस के साथ इसलिए बने हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे फ्यूचर को बनाया जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है इस तो पूरे प्लेनेट के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर, कि एक कंपनी, एक ऐसा व्यक्ति हम सब लोग जो है यहाँ पर इस दुनिया के अंदर मौजूद है जो यहाँ पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कहीं ना कहीं आज तक उसके बारे में शायद किसी ने सोचा तो होगा लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन एस मुफारे सर उनमें से एक ऐसे व्यक्ति साबित हुए जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ पे सोचा कि मैं किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लेकर के आ सकता हूँ, एक फाइनेंशियली रिवोल्यूशन लेकर के आ सकता हूँ, क्योंकि आने वाला दौर इंटरनेट का ही है और इंटरनेट के माध्यम से ही। तो पहली चीज तो हमें यह समझनी है कि करंट सिनेरियो में इस समय जो कुछ भी चल रहा है उसको हमें बिल्कुल प्रोसेस को एंजॉय करना है, प्रोसेस को बनते हुए हमें देखना है। पहली बार हम अपनी कंपनी को बनते हुए देख रहे हैं, आज तक हमने किसी भी कंपनी आईटी कंपनी को बनते हुए नहीं देखा, इसलिए कभी कभी मन में हमारे ये सवाल आ जाता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनियों के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो टूल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनको सिर्फ इस्तेमाल किया है, उनको कभी हमने बनते हुए नहीं देखा कि इसको कौन बना रहा है, इसका कौन ओनर है, इसकी कोडिंग किस तरीके से हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें पल पल की जानकारी जो है यहाँ पर दी जा रही है, A to Z पल पल की जानकारी दी जा रही है। ये पल पल की जानकारी क्यों दी जा रही है, क्योंकि हम यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर हैं। इस समय बहुत सारी चीजें बैकएंड पे जो है तैयार की जा रही हैं जिससे कि हमारे इनकम के जो एक सोर्स ऑफ इनकम होती है, जो इनकम की जो रास्ते होते हैं, वो यहाँ पर जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रास्ते हम यहाँ पे खोल सकें, यहाँ पे हम लोगों को मिल सकें कि इस तरीके से भी हम यहाँ पे इनकम ले सकते हैं, इस तरीके से भी ले सकते हैं। बहुत सारे रास्ते, जिसमें से एक है हमारा डेबिट कार्ड का। जो डेबिट कार्ड हमारा आने वाला है वो अभी तो नहीं मिलेगा हम सब लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे मैंने डेबिट कार्ड का जो टॉपिक लिया है वो मैंने क्यों लिया है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी कुछ चैनल्स के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए हैं व्हाट्सएप पे कि जो एक लाइव जो एक दिखाई जा रही है वीडियो यूट्यूब चैनल पर, जो दिखाई जा रही है वीडियो को अपलोड करके, उसमें हमारे डेबिट कार्ड को दिखाया जा रहा है और उसमें बराबर में यानी कि साइड में एस मुफारे सर उस डेबिट कार्ड के बारे में बता रहे हैं, उसके यूजेस के बारे में बता रहे हैं कि किस तरीके से क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि रिसेंटली एस मुफारे सर ने इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। जो भी आप अगर वीडियो कहीं भी देख रहे हैं, तो वो सही वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अभी की वीडियो नहीं है। वो वीडियो कम से कम 5-6 महीने पुरानी वीडियो है, जब हमारे एस मुफारे सर ने जो है किसी एक कॉरपोरेट वेबिनार के अंदर उन सारे डेबिट कार्ड को वहां पे दिखाया था, वहां पे उनका नाम भी लिखा हुआ था कि इस तरीके का हमारे डेबिट कार्ड होंगे, जस्ट लाइक ए सैंपल। ये वो सिर्फ एक सैंपल के रूप में है जिस तरीके से उन्होंने हमें दिखाए हैं, वहां पे हमारा नीचे नाम लिखा होगा, नंबर होंगे और हो सकता है कि बैक साइड में जिस तरीके का हमारा एटीएम का परफॉर्मा होता है, पीछे बैक साइड में सीवीवी नंबर होता है, उस तरीके का भी हो सकता है। वो तो डेबिट कार्ड है, वो तो उसी तरीके का ही होगा। तो कुल मिलाकर के एक डेबिट कार्ड की जो तैयारी थी उस तैयारी को उन्होंने वहां पे शो किया है। लेकिन अगर बात करें कि क्या ये डेबिट कार्ड किसी को अभी मिल गए हैं, नहीं, अभी ये किसी को नहीं मिले हैं और
ये तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तब तक हमारे पास नहीं आ जाती। जी हाँ, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती, लेकिन तैयारी चल रही है। बेंगलोर में हैदराबाद के अंदर जो है बहुत ही बैकएंड पे काम चल रहा है, बहुत हमारी जो टीम है वो पूरी डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये जो काम अलग अलग तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है, सिर्फ एक डायरेक्शन में काम नहीं हो रहा है, वहां पे कई सारे ऐसे काम है जो एक साथ यहाँ पे काम कम्प्लीट किए जा रहे हैं। आपको पता है कि माइग्रेशन का भी काम चल रहा है, दूसरी साइड में हमारे जो पेमेंट प्रोसेसर है उस पर भी काम चल रहा है, उसके अलावा हमारा जो एक डेबिट कार्ड है उस पर भी काम चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टास्क हैं जो एक पूरे बिजनेस को मर्ज करके, सारे चीजों को एक साथ मर्ज करके वो एक कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन बनाते हैं, वो एक कंप्लीट बिजनेस बनाते हैं जिससे कि हमारा बिजनेस बिल्कुल बहुत तेजी से यहाँ पे रन होने लगे। एक बिजनेस को रन होने के लिए नंबर बाय नंबर अगर आप नोट करना, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजों की हमें जरूरत होती है, जिसमें हमारे इकोसिस्टम हमें मिल चुका है, अब हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे आने वाले हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर हमारे पास जो जितनी भी चीजें लाइंड अप हो चुकी हैं, हो रही हैं, वो सब हमारे पास आती रहेंगी। तो डेबिट कार्ड के बारे में हम सब लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये हमारे पास आने ही आने हैं। और ये एक हमारे इनकम का भी एक सबसे अच्छा सोर्स भी बनने वाला है। कैसे बनने वाला है? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमारे ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि हम जो है कहीं ना कहीं करते ही करते हैं, डेली करते हैं। अगर उस खर्चे को अगर हम अपने डेबिट कार्ड से करेंगे, जो आज हम पेटीएम, गूगल पे, फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हम उस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर कुछ ना कुछ जो है हमें बेनिफिट जरूर छुपा होगा, वो तो हमें रियल टाइम में ही पता चलेगा। तो कुल मिलाकर के अभी किसी के पास डेबिट कार्ड नहीं आया है और ना ही जो है अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। और जैसे ही ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी, या जब हमारा बैक ऑफिस आ जाएगा या हमारा इको सिस्टम आ जाएगा, तो हमें उसके माध्यम से पता चल जाएगी, या हमारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनके माध्यम से पता चल जाएगी, जो भी होगा रास्ता हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमारे पास ये आने ही आने, बहुत ही जल्दी आएंगे। ओके, तो इस बारे में कोई भी आप डाउट जो है अपने मन में ना रखें कि ये मुझे मिल गया है या किसी और को मिल गया है, या वहां पे जो लोगों के आपने नाम देखे हैं क्या ये उन लोगों को मिल गया है, नहीं, वो सारे के सारे जितने भी डेबिट कार्ड आपने देखे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, वो सब के सब एक सैंपल है। जी हाँ, सैंपल के रूप में है कि हमारा आने वाला जो डेबिट कार्ड होगा वो इस तरीके का होगा, वहां पे आपका नाम भी लिखा होगा। तो बस अपने इकोसिस्टम के आने का आप थोड़ा सा इंतजार करिए। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है? लाइव वीडियो। जी हाँ, लाइव वीडियो के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जब एक गलती से किसी भी एक यूट्यूबर ने अपने चैनल पर एसू फारे सर की जो लाइव वीडियो थी वो लाइव वाले सेक्शन में डाल करके उसको अपलोड करके चला दिया था, और बहुत सारे लोगों के बीच में एक कंफ्यूजन जो है वहां पर पैदा हो गई थी। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के बीच में कंफ्यूजन, क्या ऐसा लाइव है, क्या ऐसा लाइव है इस समय? नहीं, उस समय तो ऐसा जो है अपने सर्जरी के कारण जो रेस्ट कर रहे थे, लेकिन अभी देख रहे हैं कि एक और चैनल पे जो है वहां पे एक वीडियो लाइव चल रही थी। जी हाँ, उसका ग्रीन ग्रीन कलर में जो है बैकग्राउंड भी था, आपने देखा होगा उसका थंबनेल था, और उसके ऊपर जैसे ही वीडियो को अगर आप प्ले करते हैं तो राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ऊपर स्ट्रीम यार्ड का एक लोगो भी आ रहा था। जी हाँ, स्ट्रीम यार्ड का लोगो भी आ रहा था, और स्ट्रीम यार्ड आपको पता है कि एक अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कोई भी वीडियो, किसी भी टाइप की वीडियो जो है लाइव चला सकते हैं YouTube प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करके। जैसे कि हम लाइव आते हैं, अभी हम और सूरज भाई जो है कुछ दिन के लिए लाइव आए थे, लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन हम और सूरज भाई फिर से एक बार जरूर लाइव आने वाले हैं, कुछ हमारे बीच में जो है डिस्कशन चल रहा है। तो कुल मिलाकर के वो जो स्ट्रीम यार्ड है उस पर आप अपनी वीडियो को यूट्यूब से कनेक्ट करके आप लाइव चला सकते हैं। आपके पास जो वीडियो सेव है ऑलरेडी आपके मोबाइल फोन में या आपके लैपटॉप में, तो आपको ये लगेगा कि ये कहीं ना कहीं हमारे यूट्यूब पर जो है लाइव आ रही है। तो आपको ऐसे जितने भी चैनल्स हैं आपको इग्नोर कर देना है, आपको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि जब भी आपको पता है कि ऐसर हमारे लाइव आते हैं तो उनके गिने चुने मात्र चैनल्स हैं द टॉप डॉट लाइव। जी हाँ, उनकी एक लिंक है द टॉप डॉट लाइव, और उस द टॉप डॉट लाइव के अंदर कुछ गिने चुने हम उनके यूट्यूब चैनल से हैं वो उसके अंदर जो है सिलेक्टेड हैं, जिसमें कुछ हमारे इंडिया के बाहर के चैनल हैं और कुछ इंडिया के भी चैनल हैं उसके अंदर। तो कुल मिलाकर के उन्हीं गिने चुने चैनल्स पर जो है लाइव दिखाया जाता है। कभी मार्टी सर के 360 के वेबिनार में तो आते ही आते हैं जब भी समय मिलता है, कभी रेड सर के, कभी मार्टी सर के साथ आ जाते हैं, कभी ओरन वेबिनार में आ जाते हैं, एंड इसके अलावा द शाइन ऑफ द लाइट, जी हाँ एक वेबिनार होता है शाइनिंग ऑफ द लाइट, उसमें आ जाते हैं।
तो कुल मिलाकर के आपको ये देखना है कि एस मुफारिज सर इस समय लाइव कहां पर हैं, वो चैनल किसका है, क्या वास्तव में वो हमारे किसी भी एक जो शुरू से हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो शुरू से ही हमारे साथ लगे हुए हैं, क्या उनके साथ हैं, जिसपे हम हमेशा देखते आ रहे हैं, नहीं है तो आप उन सारी चीजों को इग्नोर करिए। और कभी भी जब लाइव आते हैं तो स्ट्रीम यार्ड का तो लोगो आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्ट्रीम यार्ड का लोगो आ जाए, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल तरीके से ही हमारे की सारी मीटिंग होती है। तो इन लाइव वीडियोस के चक्कर में जो है बहुत सारे लोगों के बीच में एक गलतफहमी पहुंच जाती है, इन सारी चीजों से हमें बचना है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन हमारे बीच में नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज वी आर ऑन द राइट ट्रैक, वी आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म एंड वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन, हम बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं। थोड़ा सा समय लग रहा है, डोंट वरी, लेकिन यहाँ पे हमारी जो एक जीत है वो पूरे तरीके से यहाँ पर फिक्स हो चुकी है, इसलिए आपको बहुत ही संभल करके यहाँ पे अपने आप को अपडेट रखना है। जहां से भी आपको सही और फिक्स और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, बस आपको उन्हीं लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके चलना है। तो ये थे हमारे दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में बताना काफी ज्यादा बेहद जरूरी था, जिससे कि बहुत सारे लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।